नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओल्ड टाइम क्लासिक सहारनपुर चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम यहाँ पर भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत बुक जो है उसे समय के साथ अभी हमने स्टार्ट की है, उसका फर्स्ट लेक्चर बन चुका है। तो दोस्तों इसमें अब तक हमने अभी बात करने जा रहे हैं हम आज, यानी हमारा संविधान या संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इस संविधान के लिए हमने क्या किया, इस संविधान जो है संविधान के लिए यानी संविधान का इतिहास हमारे क्या रहा, क्या वजह रही संविधान बनाने की, इसके इस बारे में हमारे संविधान के इतिहास के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर बता दिया है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों आज हम सेकंड लेक्चर इसका लेने जा रहे हैं, जिस पर यानी हमने सबसे पहले एक एक्ट पढ़ा था जो यानी जिसके तरह कंपनी जो शासन करने के लिए आई थी, कंपनी ने जो था आपका यानी 1765 के ईस्वी से बक्सर का जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था। तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहला जो शासन यानी जो एक्ट यानी नियम अधिनियम जो लेकर आए थे उसे वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज जो दोस्तों है नेक्स्ट एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लेकर आए थे। इस एक्ट के बारे में थोड़ा यानी बुक जो है नॉर्मल, तो इनमें जो नॉर्मल बुकें हैं उनमें मिलना शायद आपको, तो आज इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। इस एक्ट के बारे में इस एक्ट को बोला गया 1781 का संशोधन अधिनियम, का संशोधन अधिनियम अधिनियम ठीक है। वैसे ये जो नियम था इसे ही बंदोबस्त, ठीक है, बंदोबस्त अधिनियम भी कहा गया, बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना गया। देखो ये लाया क्यों गया था, ये लाया इसलिए गया था कि जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट थी, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आपका कब बना था, 1773 में क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो एक्ट था आपका, इसकी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए आपका क्या लाया, 1781 का एक एक्ट बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, 1781 का एक्ट था ये जो, ठीक है ना। इसके एक्ट के थ्रू यानी उसकी कमियां दूर करने की बात करी गई। ये जो था इसकी मेन बात, इसे आप क्या कह सकते हो, इसे बंदोबस्त कानून भी इसे कहा गया, क्या कहा गया इसे, बंदोबस्त कानून। लो देखो इसे बंदोबस्त कानून भी कहा गया आपका जी। इस कानून में गवर्नर जनरल और काउंसिलिंग को सर्वोच्च न्यायालय का अक्षेत्रधार से बरी रखा, यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो कानून था इस कानून में यानी जो आपके गवर्नर जनरल जो थे वो कानून व्यवस्था से परे रखे गए, यानी कानून व्यवस्था में उन्हें नहीं, उन्हें यानी पहली इसमें कंडीशन क्या थी, जो गवर्नर जनरल थे वे बरी थे, किससे बरी, किससे थे मैं आपके कानून व्यवस्था या न्यायालय से, यानी न्यायालय में उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। और एक कंडीशन और जोड़ी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे सर्वोच्च न्यायालय के अक्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया, यानी इन पर भी कोई केस नहीं चल सकता था, यानी इसका मतलब कहने का मतलब है इन पर सजा तो लागू कर सकते थे बट कौन, ब्रिटिश संसद, कौन कर सकती थी, ब्रिटिश संसद इन्हें जो ला सकती थी, बट इन्हें किस्म से बाहर रखा गया, सुप्रीम कोर्ट यानी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या बनाया गया आपका, एक न्यायालय बनाया गया था जिसके थ्रू बच्चे यानी जो भी कुछ में थे किसी तरह के यानी गलत कार्य करने वाले आदमी उन्हें सजा दी जाती थी, बट उससे इसमें इसके थ्रू क्या किया गया, इन ये जो पद था गवर्नर जनरल का उसे भी बाहर रखा गया, और उसके बाद कंपनी के जो कर्मचारी थी उसे भी बाहर। अगर इनकी कोई भी सजा या कोई भी इनके लिए केस या किसी भी तरह का प्रावधान जो था, जो नियम लागू होना था, उसे कौन करती, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी। तो चलो नेक्स्ट की बात करें,
इस कानून में, इस कानून जो है ये राज्यसभा मामले के लिए प्रसिद्ध रहा, राज्यसभा संबंधी, राज्यसभा संबंधी जितने भी मामले थे, राज्यसभा संबंधी मामलों इनके लिए, और राजस्व वसूली, राजस्व वसूली के लिए सर्वोच्च जो ये था ना, यानी इसमें देखो क्या रखा गया, ये भी आपके सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखे गए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर रखे, यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट राजस्व वसूली का जो तरीका था, राजस्व के जो संबंधी मामले थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है ना, बात आई समझ में। इसके बाद आगे चलो, तो ये तो जो हो गया नोट कर लिया होगा आपने, तो चलो देखो अब इसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्या है, कलकत्ता जो था, कलकत्ता, कलकत्ता के सारे नागरिक जो थे सब किसके अंडर रखे गए, आपके सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, सुप्रीम कोर्ट के यानी अंतर्गत, जो सुप्रीम कोर्ट के जो अंतर्गत रखे गए, यानी जितने भी कानून लागू होने थे वे कहाँ होने थे, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत लागू होने थे। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से एक न्यायालय ने हिंदुओं के निजी कानून, इसमें क्या बनाया गया खास तौर से, जो न्यायालय ने बनाए, हिंदू जो थे ना, हिंदुओं को अगर किसी काम से कोई दिक्कत है तो हिंदुओं के लिए एक निजी कानून बनाए, निजी कानून हिंदुओं के लिए, निजी कानून। ठीक है, और मुसलमानों के लिए भी निजी कानून, जो मुसलमानों के लिए, किस किस के लिए, हिंदू प्लस मुसलमान दोनों के लिए। ठीक है ना, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए यानी निजी कानून की व्यवस्था करी गई, किसके अंदर, किसके अंदर करी, 1781 एक्ट के अंदर जो लाए थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या किया गया, यानी ये तो हो गया नोट कर लिया। ठीक है, चलो देखो, लो देखो इसके अंदर नेक्स्ट बात क्या कही थी, जो आपके कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, ठीक है, इसके द्वारा जो कानून व्यवस्था की गई, उस कानून व्यवस्था की गई, यानी जो इसके, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतांतीय जो न्यायालय होते थे, प्रतांतीय समझ रहे, एक छोटा सा प्रतांतीय, जैसे कि अभी ये एरिया हुआ, क्या नाम आपका, वैसे यानी जैसे कि आपके, जैसे केंद्र शासित प्रदेश समझ लो फिलहाल। ठीक है, जो प्रतांतीय हो, प्रतांतीय न्यायालय जो थे आपके न्यायालयों के अंदर, इसमें जो कानून के खिलाफ जो भी है, कानून के अकॉर्डिंग जो भी आपको केस करना था, आपका केस किसके अंदर करना था, प्रतांतीय न्यायालयों में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, किसमें नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करना था इसका केस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि, या एक बात और कह सको, इस प्रतांतीय न्यायालयों के जितने भी मामले थे, इनकी जो केस होने थे, या ये कह दो ये होगा आपका गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग के अंदर, गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग, ठीक है, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था, इसके अंदर आप इसकी अपील कर सकते थे, क्या कर सकते थे, अपील। ठीक है, लो देखो, एक तो बात ये हुई, दूसरी बात, जो भी प्रतांतीय न्यायालय थे, प्रतांतीय न्यायालय जो भी थे, इनके खिलाफ जो भी नियम कायदे कानून बनाना था, वो काम किसका था, यानी इनके जो नियम बनाने थे, नियम जो बना सकते थे, कौन बना सकते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, कौन कौन बना सकते थे, गवर्नर जनरल इन काउंसलिंग। तो दोस्तों ये जो था आपका 1781 संशोधन अधिनियम था, इसमें जो संशोधन किए गए,
करने के बाद यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये मामले दर्ज नहीं हो सकते थे, यानी इन मामलों की सुनवाई नहीं थी, तो इसमें क्या क्या हुआ, कलकत्ता का नागरिक सारा किसके अंतर्गत आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके बाद हिंदुओं के लिए निजी कानून, मुसलमानों दोनों के लिए कानून व्यवस्था के जो यानी इसके केस होते थे प्रतांतीय निवाले के मामले, कहाँ किसके अंदर अंडर यानी किसके अंतर्गत जाते थे, ठीक, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के। और जो कोई भी नियम प्रतांतीय न्यायालयों के लिए अगर बनाना होता था, कौन बनाना होता था, बनाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। तो ये जो था ये 1781 अधिनियम अभी बात करी हमने, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट था आपका पीस्ट इंडिया एक्ट, क्या था आपका पीस्ट इंडिया एक्ट, जिसे 1784 में लिखा गया है यानी बनाया गया है। वो देखो ये बनाया आपका 1784 में, इसका इसे का नाम था क्या 1784 का पीस्ट, देखो इंडिया एक्ट, ठीक है। तो पीस्ट इंडिया एक्ट था, ये भी स्पेशली जो बनाया गया था, ये भी किसके लिए बनाया गया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए, ठीक है ना, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए स्पेशली ये भी इसीलिए बनाया गया, ठीक है। तो या देखो इससे पहले जो एक्ट था उसका क्या क्या नाम था, उसका एक बंदोबस्त कानून भी कह सकते थे, या एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्या कह सकते थे उसे आप, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कह सकते थे उसे, याद रखना दोस्तों। देखो इसके इसके बाद इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए अंदर में क्या क्या कार्य हुआ, इसमें जो राजनीतिक कार्य थे, ठीक है, कौन कौन से राजनीतिक राजनीतिक कार्य और वाणिज्य, ठीक है, राजनीतिक कार्य और वाणिज्यिक कार्य, देखो इसमें क्या कर दिया हमने, ये लगा दिया स्लैश, इसका मतलब इसने क्या किया, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया और वाणिज्यिक कार्य को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया आपका, अलग अलग, ठीक है। तो देखो राज इसने क्या किया, राजनीतिक मामलों के लिए, जो राजनीतिक मामले थे इसके लिए क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, राजनीतिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका एक यानी इसका एक निकाय का गठन किया, क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया, निकाय हो गया यहाँ, निकाय का मतलब सिस्टम, निकाय बनाया गया इसके लिए, किसके लिए, राजनीतिक मामलों के लिए, और बनाया किसने, कंपनी के द्वारा, किसने बनाया था अभी, कंपनी के द्वारा, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सारा शासन है आपका दो तरीके से बांटा गया है, एक तो कंपनी का शासन, उसके बाद दूसरा शासन बांटा गया था ताज का शासन। तो अभी तक जो बात चल रही कंपनी के शासन की बात चल रही, तो ये बात हुआ इसके, इसका नाम था ये, इसलिए इसे इसी की वजह से देखो दो दो काम चले, तो इसे आपका दो तरह से अलग अलग बांटा गया, तो इसे एक नाम और भी दिया जा सके, इसे क्या कह सकते हो आप, द्वैध शासन भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो उसे, द्वैध शासन, यानी इसी के थ्रू ये इसका क्या हुआ, ये द्वैध शासन भी आप इसे बोल सकते हो। देखो जो ये था यानी कंट्रोल बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में बोलोगे आप नियंत्रण बोर्ड, क्या बोलोगे आप, नियंत्रण बोर्ड, जो नियंत्रण बोर्ड तो है, इसके पास एक ऐसी शक्ति थी कि ब्रिटिश इसे एक तो क्या नाम, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, भारत जो है, भारत के सभी नागरिक, एक मिनट, नागरिक, सैन्य सरकार, ठीक है, और राजस्व गतिविधियां, क्या था, राजस्व गतिविधियां,
ठीक है। इसमें क्या क्या था, नियंत्रण बोर्ड के अंदर क्या था, भारत के सभी नागरिक थे, सैन्य सरकार थी और राजस्व गतिविधियां जो था, ठीक है, इन पर सब पर क्या कर सकता था वो, नियंत्रण कर सकता था, क्या कर सकता था वो इस पर नियंत्रण, नियंत्रण बोर्ड का ये कार्य था, यानी उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो बना था उसके थ्रू ये कार्य नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, द्विवेद शासन किसे कहे जाए, द्विवेद शासन किसे कहे जाएगा आपका 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट को, ठीक है ना, 1784 किसे कहे जाता, ईस्ट इंडिया एक्ट। यहाँ तक की बात आई समझ में, लो देखो यह जो अधिनियम था दो कारणों के लिए महत्वपूर्ण था, दो कारण थे इसके स्पेशल, यानी जिनके लिए महत्वपूर्ण यानी मोस्ट याद करा गया ये। पहला कारण था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र जो भारत के अंतर था, क्या कंपनी का क्षेत्र, ठीक है, कंपनी का क्षेत्र भारत में जो था कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का अक्षेत्र कहा गया, यानी इसे क्या कहा गया आपका, जिस पर अधिपत्य मतलब कि जिस पर ब्रिटिश का राज हो, दूसरे देश का राज, तो यानी इसे कहा गया आपका ब्रिटिश, क्या कहा गया आगे, ब्रिटिश अधिपत्य, यानी जिस पर, यानी कहने का मतलब जितना भी कंपनी का क्षेत्र था ना फैला हुआ, जहाँ तक कंपनी का शासन काम चल रहा था, तो वहाँ मोहर लगी कि ये किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी लंदन की है, लंदन की जगह, लंदन का काम होगा, एक तो पहली बात तो ये थी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना था, दूसरा काम क्या था इसका मेन, पहला तो ये था एक इनमें से पहला कारण, दूसरा क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी, क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी, देखो ब्रिटिश सरकार ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन, यानी जो कंपनी थी, कंपनी का क्या, का कार्य और प्रशासन, ठीक है, यानी इससे पहले क्या होता था, जो आपके ये थे ना, प्रशासन बना हुआ था, प्रशासन क्या करता था, अत्याचार करता था लोग वर्गों पे, जबरन वसूली करते थे, ठीक है, जैसे कर लगान लेते थे ज़्यादा, तो उसके थ्रू यानी इस रूल के थ्रू क्या हुआ कि इनके काम पर नियंत्रण रखा गया। इसका मतलब जब ईस्ट इंडिया एक्ट आया तो इसके थ्रू जो वे थे जो जबरन वसूली करते थे, जायज यानी बेवजह से कर लेते थे ठीक है, तो उसका यानी उस पर नियंत्रण किया गया, क्या किया गया, पूर्णतः नियंत्रण भी कैसा, पूर्णतः नियंत्रण, ठीक है, ये बात आई समझ में, यहां तक बताओ, ठीक है, तो देखो नीचे। अच्छा, इसके मेन क्या थे, मेन दो कारण थे इसके जो महत्वपूर्ण बात कही गई, मेन जो भारत में कंपनी का क्षेत्र था वो ब्रिटिश अधिपत्य हो गया, यानी ब्रिटिश का शासन बन गया, ब्रिटिश का शासन का मतलब ये हुआ कि उस पे और कोई काम नहीं कर सकता, जैसे बादशाह होते थे ना हमारे यहाँ पहले, क्या थे बादशाह, जैसे जहांगीर का शासन था, औरंगजेब का शासन हुआ, तो औरंगजेब उस पर कुछ नहीं कर सकते थे, कौन करती थी, कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो करना था उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। दूसरी बात, जो कंपनी का कार्य था, कंपनी अपना कार्य बेवजह फैलाती जा रही थी, कंपनी के कार्य को लिमिटेड करा, और प्रशासन जो था जबरन वसूली या किसी तरह से कभी आपके ये, जिससे आपको जो वे थे कर्म यानी यहाँ भारतीय नागरिक उन्हें दिक्कत होती थी, तो उन कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण लाया गया, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसके अंदर ये कमियां थी, उन कमियों को दूर करा, फिर ये लाया गया। इसके बाद देखो एक और कानून लाए हुए, देखो तो देखो इसके बाद यानी 1784 में क्या आया आपका, ईस्ट इंडिया एक्ट, सबसे पहले क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1791 में
एक और लाए, एक एक्ट और आया, ठीक है। उसके बाद 1700 यानी किस में 1700 किस में आया था, 81 में, 1783 में ईस्ट इंडिया एक्ट। अब 1786 में एक और एक्ट ले गए, यानी देखो गवर्नमेंट ने जो था, हमारे यहाँ तो पहले सुचारू व्यवस्था वैसी थी, नियमित तरीके से कोई रेगुलर काम नहीं था, लिखित में कुछ नहीं था, जिस ये थी ना ये गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट का क्या काम था, इस गवर्नमेंट ने धीरे 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 काम बनाने शुरू करे और उन कार्यों पे यानी गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट की जो अधिकार बनाने शुरू करे, जिससे कि गवर्नमेंट के थ्रू हो सारे कार्य, ठीक है। तो देखो 1786 का एक अधिनियम पारित और बनाया, ठीक है, 1786 का, या इसे आप ये भी कह सको आप एक्ट ऑफ, या ठीक है अधिनियम बोल दो या एक्ट बोल दो, कोई ज़रूरत नहीं, एक्ट ऑफ 1786। तो देखो इसमें क्या करा गया, इसमें जो 1786 में थे, पहली बात इसमें जो लॉर्ड थे कार्निवालस, लॉर्ड कौन थे, कार्निवालस, कार्निवालिस, कार्निवालिस सॉरी वालिस हो गया, ठीक है, एक लॉर्ड थे कार्निवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, क्या करा गया उसे, गवर्नर जनरल, ठीक है ना, क्या नियुक्त किया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है। उन्होंने दो शर्त रखी गवर्नर जनरल ने बनने से पहले, इनकी क्या थी, दो शर्तें थी, ठीक है, तो कितनी रखी गई, दो शर्त रखी थी उन्होंने। पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त थी उसने कि देखो क्या कहा था, उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसलिंग के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा था कि जो विशेष मामले होंगे, विशेष मामले कुछ स्पेशल काम, कि इनकी मर्जी होगी, ये चाहे तो मान ले अदरवाइज ना मानने, ठीक है ना, मान भी सकते थे, और नहीं भी, मान भी सकते थे और नहीं भी, समझ में आया। तो एक पहली मांग तो क्या थी कि कोई भी विशेष कार्य होंगे आपके, उन विशेष कार्यों को ये मान भी सकते थे और नहीं भी, इनकी पहली कंडीशन। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था कि जो सेनापति, सेनापति हो अथवा कमांडर इन चीफ, ठीक है, अथवा क्या था, कमांडर इन चीफ, ठीक, का पद भी दिया जाए, यानी नहीं, इनका कहना था कि या तो एक तो विशेष कार्यों में मर्जी मेरी चलेगी, मैं अपनी मर्जी से मानना चाहूँ तो मान सकता हूँ, अदरवाइज नहीं भी, विशेष कार्य थे स्पेशल, यानी कि सारे कार्यों के लिए। सेनापति और कमांडर इन चीफ का जो पद था वो भी इन्होंने अपने लिए ही खुद के लिए लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये 1786 अधिनियम आया था, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया, तो दो बात थी स्पेशल जो कार्निवालस ने स्पेशल रखी थी, ये बात रखी गई। इसके बाद एक अधिनियम और आया, उसे भी पढ़ो, तो ठीक है ये बात तो होगी। तो देखो आओ, तो एक अधिनियम आया आपका 1793, ठीक है, कच्चा इसे बोला था चार्टर कानून का, चार्टर कानून, ठीक है, 1793 का चार्टर कानून, ठीक। तो सुनो, इसमें क्या किया गया, जो ये कानून था पहला, कौन थे इस टाइम, यानी इसी टाइम की बात है तकरीबन, तब भी लॉर्ड कार्निवालिस थे, जो लॉर्ड थे, लॉर्ड कार्निवालिस, ठीक है, लॉर्ड कार्निवालिस ने
दी गई जो काउंसलिंग निकाय के निर्णय थे ना, तो उनका निर्णय उससे ऊपर होता था। काउंसलिंग जो निर्णय देती थी कौन, काउंसलिंग मतलब कि एक, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूरे चंबे आदमी बैठे, सब ने अपना निर्णय सुनाया, उससे भी निर्णय ऊपर किस कितना होता था, जो लॉर्ड थे, क्योंकि ये कौन से पिछले वाले एक्ट से बन गए, उन्होंने ये बात रखी थी। काउंसिल जो थी उससे भी, यानी जो इसके निर्णय होते थे निर्णय से इससे भी ज़्यादा, यानी निर्णय और बढ़ाए। और दूसरी बात, इन्होंने क्या करा, जो इसका था ये गवर्नर जनरल था ना, ये था गवर्नर जनरल पद, इसमें भी विस्तार करा इन्होंने, ठीक है। गवर्नर जनरल पद का जितना भी था इसमें भी इन्होंने विस्तार करा, ठीक है। और तो इसमें गवर्नर जनरल पद और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंसी बनाई इसमें भी, ठीक है। लो, इन्होंने दूसरा नियम एक तो ये रखा, दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो गवर्नर जनरल थे कहाँ के, एक तो थे आपके बॉम्बे के, ठीक है, बम्बई ले लो, और कहाँ के, मद्रास, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वे किसों ऊपर रखे गए, वहाँ की जो सरकारी थी ना, जो यानी वहाँ के जो सरकार थी, सरकार से ऊपर रखे गए वे, किससे, जो वहाँ की सरकार थी, इनके गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के, इनके नियम के अनुसार लॉर्ड कार्निवालिस के, मैं इससे ऊपर रखे गए, यानी सर्वोपरि मानने गए लॉर्ड कार्निवालिस के। दूसरी बात, तीसरी बात, अब इसने बताया कि भारत का जो व्यापार है, भारत पर व्यापार, इन्होंने क्या करा, भारत का व्यापार अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ाया, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया, यानी इसमें ये लगा लो, चाहे तो साइन ये लिख लो, इसका मतलब ये बढ़ गया, ठीक है। इन्होंने व्यापार अगले 20 वर्षों तक बढ़ाया, देखो एक कंडीशन और, इन्होंने एक बात और करी, जो कमांडर इन चीफ होते थे, कमांडर इन चीफ, समझे, जो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ के गवर्नर के, लिख लो एक मिनट, गवर्नर जनरल काउंसिल, काउंसिल, एक मिनट रुक जाओ, ये गलत लिख गया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थे, काउंसिल के सदस्य का अनिवार्यता, जो पहले, यानी कहने का मतलब ये था, रूल ये बनाया गया था कि काउंसलिंग जितने हैं उसके सदस्य हैं, सबका होना अनिवार्य है, तब उसके बाद काम होगा, समझे बात। तो लेकिन इन्होंने एक बनाया था कि कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल थे जो काउंसलिंग के सदस्य के अनिवार्यता जो थी वो समाप्त कर दी, क्या कर दी, समाप्त, सदस्य लिखो, सदस्य क्या खत्म कर दिया, इसका अनिवार्यता समाप्त, लो जी अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्त है कि उसी रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने क्या है कि कमांडर इन चीफ को उसी के हिसाब से बस नियुक्त कर दिया, क्या, उसी के रूप में नियुक्त कर दिया। लो एक और इन्होंने कंडीशन रखी है, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी क्या, नियंत्रण बोर्ड, क्या दी इन्होंने, जो नियंत्रण बोर्ड था, ठीक है, के सदस्य तथा कर्मचारी, कौन कौन इसके सदस्य और कौन इसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से
में से भुगतान किया जाएगा, यानी जो उनकी सैलरी होगी, जो भुगतान होगा, सैलरी जो बनेगी कहाँ से दी जाएगी आपकी, भारतीय राजस्व में से, राजस्व में से भुगतान किया जाएगा, यानी जितना पैसा, यानी इसका मतलब इसकी सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ना मिलकर भारतीय राजस्व, भारत की तरफ से जितना पैसा इकट्ठा होना था तो उसमें से इनकी सैलरी दी जानी थी। तो ये था दोस्तों हमारे इतिहास के कुछ पहलू हुए, जिसमें हम धीरे 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 कुछ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने दो तीन तरह के, यानी दो तीन एक्ट किए तकरीबन, एक तो हमने किया 1781 का एक्ट किया, और उसके बाद आपका 17 यानी ईस्ट इंडिया 1784 एक्ट किया, फिर 1786 1793। तो आज दोस्तों हमने चार एक्ट किए जो हमारे स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो ध्यान दो, सैलरी का अगर पूछा जाए तो सैलरी का सिस्टम राजस्व से कहाँ से रखा गया, तो सैलरी का सिस्टम इस तरीके से रखा गया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने इस तरीके से पैसे देंगे, दिए जाएंगे सबको, सबकी सैलरी का भुगतान इस तरह से होगा, या सारे कार्यों के लिए जो भुगतान रखा गया, ये तरीके थे। देखो धीरे 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 उन्होंने अपना थोड़ा 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 सुधार करा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।